जय श्री गणेश, जय माता दी। 7 अप्रैल दिन रविवार, चैत मास चल रहा है और चैत मास में हम लोग रोज़ चैत मास से संबंधित कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए। चैत नवरात्रि आने वाले हैं और उससे संबंधित कलश स्थापना, शुभ तिथि एवं मुहूर्त का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देवी के चतुर स्वरूप कुष्मांडा देवी के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती हैं। मानता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लेकर ऐसी मानता है, पढ़ने वाले छात्र यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो उनके बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। दुर्गा माता के चौथे रूप में कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक के विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माता के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए हम दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजिनी है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें, जिससे अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी रूप हो, पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप हो के उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विष का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारी पवित्र चरित है, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबके आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋक तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले साम वेद के आशय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मन मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देख कर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भंगों के कारण विकराल हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए, ये उससे बड़े भी आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न ही हो
आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है, ये हमने अभी जाना। जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को वो देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं, उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है, और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आसन करता है, उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मन वांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्रता दूर नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग हो जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मास से समस्त अस्त्रों को भस्म नहीं कर सकती है? अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मर के वे स्वर्ग को जावे। इस तरह से देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की क्रांति के किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यही था कि वे किरणों से शोभामान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। देवी, तुम्हारा शील बुरे प्रतान को दूर करने वाला है, और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी कभी दूसरों से तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें ही में देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मार के तुमने उन्हें स्वर्ग में पहुँचाया है। इस तरह लोगों कि तुमने रक्षा की है, तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़क से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमा के पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो, तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़क शूल गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे उनसे हमारी रक्षा करें। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंते अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवता, तुम सब मुझसे मन वंशित वर मांगो। देवता बोले, भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महर्षि, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिका, हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावें और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया
तो बस तथास्तु कह के देवी अंतर ध्यान हो गए। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चहने वाली ये भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा सुम निसुम का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत में यथार्थवत वर्णन करता हूँ। आज के अध्याय में हम लोग यहीं तक कथा सुनेंगे, कल इसके आगे का अध्याय सुनेंगे। आशा करती हूँ आप लोग कल भी सारे अध्याय, संपूर्ण अध्याय सुनेंगे, क्योंकि संपूर्ण कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप माँ के नवरात्रे रहते हैं उस समय आप इस वीडियो को अवश्य सुने। आप पूजा करते करते आप वीडियो ऑन कर दीजिएगा प्लीज़, और माँ की पूजा कीजिएगा। जब तक कि आप माँ की पूजा की तैयारी करेंगे तब तक आप वीडियो ऑन कीजिएगा। उसके बाद आप स्वयं से भी चाहें तो कथा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सुन के भी माता की स्तुति कर सकते हैं। इससे भी हमको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर मेरे वीडियो को आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। जय माता दी। कमेंट्स कीजिए जय माता दी, जय माता दी।